हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आप 3 क्वेश्चंस किए थे, आज फोर्थ क्वेश्चन। आज हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन से। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। इस 11 की भी एक ट्रिक है, जैसे ऑड नंबर माइनस इवन नंबर, ठीक है। इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 या 1 या 11 का टेबल। ऑड प्लेस कौन सी होती है, 1, 3, 5, 7 एंड 9। इवन प्लेस 2, 4, 6, 8 एंड 10। फर्स्ट क्वेश्चन, 5445। ऑड प्लेस कौन सी है, 5 एंड 4, ठीक है। इन दोनों का टोटल क्या है, 9। एंड इवन प्लेस पे 4 एंड 5, इन दोनों का टोटल कितना है, 9। देन थर्ड स्टेप क्या करना है, ऑड माइनस इवन। 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, विच इज डिविजिबल बाय 11। बी पार्ट, 10,824। ऑड प्लेस पे कौन सा है, 4, 1, 8 एंड 4, इन तीनों का टोटल 13। एंड इवन प्लेस पे 0 प्लस 2, 2 आंसर आया इसका। ऑड थर्ड स्टेप, ऑड माइनस इवन, 13 माइनस 2 इज इक्वल टू 11। तो 11 के टेबल पे आता है, इट इज डिविजिबल बाय 11। ऐसे ये सारे क्वेश्चन हैं। सी पार्ट, ऑड प्लेस पे कौन सा है, 7, 3, 9 एंड 5, इनका टोटल 24। इवन पे 1, 8, 6 इज इक्वल टू 15, इन दोनों का माइनस करके कितना आया, 9। नॉट डिविजिबल बाय 11, क्योंकि 9 11 के टेबल पे नहीं आता। इलेवन डिविजिबल में एक तो ऑड माइनस इवन, क्या आंसर आना चाहिए, 0, 1 या 11 के टेबल पे कोई भी अक्षर आ सकता है। डी पार्ट, ऑड प्लेस पे कौन सा है, 7, 1, 9 एंड 0, इनका टोटल कितना है, 17। इवन प्लेस पे क्या है, 0, 6, 3, 8, 17। ऑड माइनस इवन किया तो 17 माइनस 17 इज इक्वल टू 0, इट इज डिविजिबल बाय 11। ई पार्ट, ऑड कितना है, 1, 0, 0, 0, इसका टोटल कितना आया, 1। देखो 1, 0, 0, 0, तो इसका आंसर आना था 1। इवन पे क्या आया, 0, 0, 0, 1, तो क्या आया, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, विच इज डिविजिबल बाय 11। एफ पार्ट, ऑड 9, 1, 5, इनका टोटल कितना आया, 15। और इवन प्लेस पे क्या है, 0, 1 एंड 3, इसका टोटल कितना है, 3 प्लस 1, 4, 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 11, इट इज डिविजिबल बाय 11। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक प्लेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इट इज डिविजिबल बाय 3। अब हमने डिविजिबल देखना है 3 पे। ए क्या है, स्मॉलेस्ट क्या है, 2, 6, 7, 2, 4। जैसे देखो 6, 7, 2, 4 का एडिशन कितना आया, 19। नो डिविजिबल बाय 3। देन 19 प्लस 2 कितना आया, 21। एंड 19 प्लस 8 कितना आया, 27। ऐसे 19 प्लस 5 कितना है, 24। 19 प्लस 11 कितना आया, 30। तो इसका आंसर क्या आया, 22। एंड ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 8। यहाँ पे देखो स्मॉलेस्ट क्या है, 2, एंड ग्रेटेस्ट क्या है, 8। नेक्स्ट पार्ट, स्मॉलर डिजिट देखनी है हमने, यहाँ पे कौन सी आएगी। जैसे देखो इनका टोटल देखो कितना है, 4 प्लस 2, 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2, ये सबका टोटल कितना आया, 24।
विच इज डिविजिबल बाय 3, देन स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 24 प्लस 0, ये स्मॉलेस्ट डिजिट हो गया, ठीक है 24। और उसके बाद जब हमने 3 ऐड किया तो 27, ये भी 3 के टेबल पे आता है। 6 भी जब 24 प्लस 6 किया तो 30 भी आता है। 24 प्लस 9 भी किया तो 33 आता है। 24 प्लस 12 आया तो 36, पर हम 12 तो नहीं ले सकते क्योंकि ये 2 डिजिट हो गया, तो हमने कितनी लेनी है 1 डिजिट नंबर। ये देखो, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक प्लेस ऑफ इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो ये 1 डिजिट नंबर है, तो ये ग्रेटेस्ट प्लेस कौन सी हुई, 9। लास्ट क्वेश्चन, राइट ए डिजिट इन ए ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। 11 पे हम क्या करते थे, ऑड माइनस इवन, पहले ऑड देखते थे और फिर इवन, फिर उन दोनों का माइनस करके क्या आंसर आना चाहिए था, 0, 1 या 11। अब हमने देखना है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। जैसे देखो, ये फर्स्ट प्लेस पे, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। पहले ऑड प्लेस पे कौन सा है, 1, 3, 5, 9 स्पेस प्लस 8, इनका टोटल कितना आया 17 प्लस स्पेस। इवन पे क्या आया, 2, 3 एंड 9, इसका टोटल कितना आया 17। अब क्या करते थे, थर्ड स्टेप, ऑड माइनस इवन, 17 माइनस 14 इज इक्वल टू 3, नॉट पॉसिबल, ये 3 के टेबल, सॉरी 11 के टेबल पे नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, देन ऑड 17 प्लस 8, 8 किया तो कितना आया 25। जैसे देखो, ये कैसे किया, 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8, हमारे पास क्या था 11 और आंसर क्या आ रहा था 3, तो 11 में 3 माइनस करके कितना आया 8, तो हमने क्या किया, जो ओड था 7 प्लस 8 कर दिया, तो कितना आया 25। अब देखो, ओड माइनस इवन 25, ठीक है, ओड कितना आया 25 एंड इवन कितना था 14, 25 माइनस 14 इज इक्वल टू 11, तो आंसर कितना आया हमारे पास 8, ये डिविजिबल बाय 11 आ गया। अगर यहाँ पे 11 आ जाता तो हमें ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं थी। जैसे ये बी पार्ट देखो, यहाँ पे हमें देखना है भी कौन सा आंसर आएगा। पहले तो ओड चेक करो, 8 प्लस 9 प्लस 8 कितना है 25। इवन पे कौन सा है, स्पेस प्लस 4 कितना है, स्पेस प्लस 4। ऑड माइनस इवन, 25 माइनस 8 कितना आया 70, नॉट पॉसिबल क्योंकि ये 11 के टेबल पे नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 17 में 11 माइनस कर देंगे, कितना आया 6। अब यहाँ पे 6 पुट करके देखेंगे, 6 प्लस 8 14। अब फिर क्या करेंगे, ऑड माइनस इवन, 25 माइनस 14 इज इक्वल टू 11, आ गया ये डिविजिबल बाय 11, तो इस पे आंसर क्या होगा, 6। यहाँ पे कुछ मैंने क्वेश्चन दिए हैं, आप कमेंट में बताना इसका आंसर क्या आया। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने क्या डिविजिबल चेक करना है, 11, ये आप कमेंट में बताना इसका आंसर क्या आया। ऐसे ही चेक करना है 4 एंड 8, टू क्वेश्चंस ने, आप कमेंट में बताना इसका आंसर क्या आया। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।